हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से, शिक्षा में और राजनीति में SC ST कैटेगरी को जो है रिजर्वेशन था। उसके बाद में दोस्तों मंडल कमीशन के द्वारा 1992 में OBC को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों विभिन्न वर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को और भी कई वर्गों को जो है रिजर्वेशन दिया गया। और जब BJP की सरकार आई थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो दोस्तों उन्होंने जो है, जब अब उनका फर्स्ट कार्यकाल लास्ट का अंत होने वाला था, तो EWS वर्ग को भी जो है 10% रिजर्वेशन की सुविधा दी। दोस्तों कल जो है, कुछ परसों जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वो जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उस पर दोस्तों फैसला दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है फैसला। दोस्तों इसका जो सुनवाई की थी जस्टिस नागेश्वर राव जी की पीठ ने जो है की थी। और दोस्तों इसमें केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने ये बात कही है, ये एक जीवन का तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों बाद भी SC ST के लोगों को सवर्ण जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है। साथ ही जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा है क्लास ए की नौकरियों पर पहुंचना SC ST लोग वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही सरकार ने बोला है दोस्तों कि SC को, मानी सुप्रीम कोर्ट को, कुछ ठोस जो है ऐसे उपाय देने होंगे जिससे जो SC ST OBC हैं वो जो है क्लास ए की जॉबों तक पहुंच सकें। और लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रखा है। फैसला तो दोस्तों हो गया है लेकिन सुरक्षित रखा है। कई बार क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला कर देते हैं लेकिन सुरक्षित रखते हैं, एक समय पर जो है उसको बता देते हैं। तो ये कुछ प्रमोशन में रिजर्वेशन पर कुछ अपडेट था जो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।